नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ साक्षी तिवारी। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की मुख्य खबरों पर। आने वाले 75वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर पानीपत शहर में आज निकाली गई तिरंगा यात्रा। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर समालखा शहर में जगह जगह पुलिस मुस्तैद आई नजर। समालखा में 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर किए गए पुख्ता इंतजाम। समालखा रेलवे स्टेशन पर पुलिस मुस्तैद आई नजर, आने जाने वाले सभी यात्रियों की जा रही चेकिंग। जीआरपी पुलिस ने 12 कमांडो स्टेशन पर किए तैनात। पानीपत, समालखा, करनाल, हर जगह तलाशी अभियान किया जारी। 15 अगस्त की फाइनल रिहर्सल प्रोग्राम का किया गया आयोजन। समालखा नाच मंडी में पुलिस की टुकड़ी द्वारा सलामी दी गई, बच्चों और पुलिस द्वारा राष्ट्रीय गान गाया गया। पानीपत के सेक्टर 25 के कूड़ा डंपिंग सेंटर से स्थानीय लोग हो रहे काफी परेशान। राह चलते लोग अपना मुंह और नाक ढककर गुजरने को है मजबूर। हाउस मीटिंग में इस मुद्दे को कई बार उठाया गया लेकिन अभी तक नहीं निकला कोई समाधान। नीरज चोपड़ा के सम्मान में पानीपत मुख्य डाकघर के बाहर लगाया गया गोल्डन पोस्ट बॉक्स। गोल्डन पोस्ट बॉक्स पर लिखा गया गोल्ड बॉय नीरज चोपड़ा का नाम। पारिवारिक कलह के चलते सुसाइड नोट छोड़ नहर में कूद कर एक व्यक्ति ने की आत्महत्या। मृतक के परिजनों ने शव लेने से किया इनकार, पानीपत के सामान्य अस्पताल में किया हंगामा। मृतक की बेटी ने अपने ननिहाल पर लगाए अपने पिता के मौत का आरोप। गुस्साए मृतक के परिजनों ने न्याय को लेकर बस स्टैंड के बाहर किया रोड जाम, पुलिस ने न्याय दिलाने का किया आश्वासन। आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। पानीपत के मुख्य डाकघर के मुख्य गेट के पास डाक विभाग द्वारा सोने के रंग का एक विशेष लेटर बॉक्स स्थापित किया गया है। यह लेटर बॉक्स टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए इतिहास रचने वाले स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के सम्मान में लगाया गया है। इसे भारतीय डाक विभाग हरियाणा परिमंडल ने लगवाया है। ऐसा ही एक विशेष लेटर बॉक्स जल्द ही नीरज चोपड़ा के गाँव में उनके घर के बाहर भी लगाया जाएगा। भारतीय डाक विभाग ने यह फैसला ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के सम्मान और युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए किया है। इस विशेष लेटर बॉक्स की स्थापना के अवसर पर पानीपत मुख्य डाकघर इंचार्ज नरेश धीमान ने बताया कि डाक विभाग द्वारा समय समय पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाता है। उन्होंने कहा कि नीरज की उपलब्धि युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। देश के विभिन्न हिस्सों से भारी संख्या में बधाई के पोस्ट पानीपत डाकघर में प्राप्त हो रहे हैं, जिसके जल्द वितरण के लिए डाक विभाग द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि नीरज चोपड़ा का गोल्ड मेडल हमारे देश के लिए एक विशेष उपलब्धि है, इसलिए हम लोगों ने उनके सम्मान में पानीपत मेन पोस्ट ऑफिस के पारंपरिक लेटर बॉक्स के रेड कलर को सुनहरे रंग से पेंट किया है। हम लोग उनके गाँव में भी यह स्पेशल लेटर बॉक्स लगा रहे हैं। इसका मकसद मेन हमारा श्री नीरज चोपड़ा जी को बधाई देने का है। हमारे विभाग की तरफ से हमने इतनी खुशी है कि भी हमारे पानीपत डिस्ट्रिक्ट कलर का जो भी हमारे देश का नाम रोशन किया है, उसको भी हम ऐसा कुछ गिफ्ट दें या उसको कोई ऐसा तोहफा दे जिससे कि उस आने वाले टाइम के लिए याद रखे कि इस विभाग ने भी उनके लिए कुछ किया है। उसी उपलक्ष्य की उसी कड़ी में हमने हमारे जो एकमात्र लेटर बॉक्स है पूरे इंडिया में जो कि ये संदेश दे रहा है, क्योंकि गोल्ड मेडल की चोपड़ा जी ने जो जीता है उसके सम्मान में किया गया डाक विभाग। उनके गांव में भी लगाया जाएगा सर? बिल्कुल सर, एक लेटर बॉक्स ही गोल्ड कलर का ही उनके घर के सामने लगाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। पानीपत सेक्टर 25 में बनाए गए कूड़ा डंपिंग सेंटर से स्थानीय निवासी काफी परेशानी में हैं। राह चलते लोग भी जब वहां से गुजरते हैं तो उन्हें मुंह और नाक ढाक कर गुजरना पड़ता है। यह हालात शहर के पॉश एरिया के हैं, जहां प्रमुख निर्यातक, राजनेता और अन्य सम्मानित लोग रहते हैं। डंपिंग सेंटर का कूड़ा काफी बार सड़कों पर आ जाता है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से एक तो एरिया इतना अच्छा है, उसकी वजह से एरिया अच्छा नहीं लगता मतलब, और थोड़ी स्मेल की भी प्रॉब्लम, और बस अच्छा नहीं लगता कि भाई एरिया अच्छा तो मतलब थोड़ा साफ़ सुथरा तो होना ही चाहिए अपना शहर। रोज़ का मेरा यहाँ से आना जाना है, यहाँ पर गंदगी का बहुत बड़ा ढेर है, बदबू बहुत आती है, लेकिन मजबूरी है कि एक ही रास्ता है, यही रास्ता है, मजबूरी में यहाँ से निकलना पड़ता है। गाय बैल है,
जो यहाँ खुले में चरते हैं, पोलोथिन खाते हैं, जिससे अपने को ये दिक्कत होती है कि एक्सीडेंट होने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। और तिरंगा यात्रा के साथ साथ इनको अपनी शहर के ऊपर भी, शहर की व्यवस्था के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और यही गुजारिश है सरकार से कि पहले ये चीज़ देखी जाए, शहर को सुधारा जाए, शहर की व्यवस्था को सुधारा जाए। आपको बता दें कि कुछ समय पहले इस डंपिंग सेंटर को चारों तरफ से कवर करने की मांग को लेकर मौजूदा मेयर अवनीत कौर के पिता और पूर्व मेयर सरदार भूपेंद्र सिंह धरने पर बैठ गए थे। हालांकि उसके बाद डंपिंग सेंटर को टीन की चादरों से कवर कर दिया गया था, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद भी हालात फिर वैसे ही हो गए। स्थानीय पार्षद शकुंतला गर्ग का कहना है कि उन्होंने हाउस की मीटिंग में भी इस मुद्दे को कई बार उठाया है, डंपिंग सेंटर यहां से शिफ्ट किया जाना चाहिए। जो डंपिंग जोन का जो एरिया चूज़ किया गया वो बहुत ही गलत है। मैं अपनी हर हाउस मीटिंग में इस डंपिंग जोन को यहां से हटाने के लिए बात करती हूं। पीछे एनजीटी के चेयरमैन भी आए थे, उन्होंने भी इसको बताया कि इतने पोश एरिए में सेक्टर 25 जो ड्यूटी रोड से सटा हुआ एरिया है और सारे एक्सपोर्टर्स क्या बायर्स क्या इसी रास्ते से अंदर इंडस्ट्री में एंटर करते हैं और सबसे पहले उनका स्वागत इस तरीके से होता है। इतनी बदबू होती है, सुबह लोग घूमने वाले आते हैं, सुबह आते ही ऐसा उनका बदबू से भरा दिन जाता है, फिर पूरा दिन भी ठीक नहीं जाता। पूरे एरिए में दुर्गंध फैली हुई है, पोश एरिया है, मित्तल मेगा मॉल है, सारे मैरिज हॉल इधर को ही हैं, बाहर के लोग भी सब यहीं पे आते हैं। तो मेरी तो निगम से भी, कमिश्नर साहब से भी, मेयर मैडम से भी, विधायकों से भी मैंने सबसे बहुत रिक्वेस्ट की है कि इस डंपिंग जोन को प्लीज़ यहाँ से हटवा दीजिए, ताकि लोग, इतनी महामारी फैली हुई है, इतनी महामारी में इतनी गंदगी, इतनी बदबू, आप वहाँ सड़क पे से जा नहीं सकते। आप खुद देखें वहाँ पे जाके, सड़क पे से जा नहीं सकते और लोग बेचारे क्या करेंगे, जनता परेशान है, इतनी ज़्यादा परेशान है। पोश एरिया है, पार्क बने हुए हैं, लोग सुबह सैर करने के लिए आते हैं, तो सारा दिन उनका फिर ठीक ढंग से नहीं बीतता। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है सबसे कि इस डंपिंग जोन को यहाँ से जल्द हटाया जाए, ताकि वैसे कहते हैं वार्ड का सौंदर्यकरण हो, वार्ड का सौंदर्यकरण ऐसे थोड़ा नहीं होगा। वहीं इस मामले में जब सीनियर डिप्टी मेयर दुष्यंत भट्ट से बात की गई तो उनका कहना था कि वहां के हालात वास्तव में चिंतनीय हैं और लोगों की परेशानियां जायज़ हैं, शीघ्र ही उच्च अधिकारियों से बात कर इस समस्या का समाधान किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। अगस्त 1947 को ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता को याद करने के राष्ट्रीय अवकाश के रूप में इस दिन हर साल भारत के लोगों द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत के उन महान नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाती है जिनके नेतृत्व में भारत के लोग सदा के लिए आज़ाद हुए। 15 अगस्त के दिन को लोग अपने अपने अंदाज में मनाते हैं, कोई मित्रों या परिवार के लोगों के साथ इस दिन को यादगार बनाता है तो कोई देशभक्ति के गानों पर झूमता हुआ दिखाई देता है। वहीं दूसरी ओर समालखा रेलवे स्टेशन पर 15 अगस्त की जोरदार तैयारियों के चलते जीआरपी पुलिस ने स्पेशल टास्क फोर्स के 12 कमांडो जवान तैनात किए गए हैं, जिसके चलते उन्होंने पानीपत, समालखा, करनाल में हर जगह तलाशी अभियान जारी किया है। इसके चलते 12 जवान ट्रेन में आने वाले हर व्यक्ति का सामान की जांच करेंगे। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या कोई संदिग्ध सामान के साथ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रेलवे चौकी इंचार्ज सतपाल ने बताया कि यह प्रक्रिया 15 अगस्त तक जारी रहेगी। रेलवे पुलिस बड़ी सतर्कता से अपना काम बखूबी निभा रही है। ये हमारे अफसरान बाला के आदेश अनुसार हर आने जाने वाली गाड़ी है जो उनको चेक किया जा रहा है और स्वे टीम आई हुई है हमारी। स्वे टीम में कितने सदस्य हैं आपकी? 12 सदस्य हैं स्वे टीम की और चौकी ज़्यादा स्टाफ है साथ में। कब से कब तक क्या कार्रवाई कर रहे हैं वो? ये लगातार चल रहे, 15 अगस्त तक हमारी जारी रहेगी चेकिंग। अप व डाउन की सभी ट्रेनों को चेक करते हैं और रेलवे स्टेशन की अधूध है। क्या चेक किया जा रहा है? इसमें कोई भी संवेदनशील कोई व्यक्ति नज़र आ जाए या कोई सामान मिल जाए इस टाइप का, उनकी चेकिंग चल रही है लगातार। ये स्पेशल फोर्स आपकी? हाँ, ये स्पेशल फोर्स हमारी। समालखा से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट।
समाल खा अनाज मंडी में 15 अगस्त की फाइनल रिहर्सल प्रोग्राम का किया गया आयोजन। देश भर में आज 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर लोगों में काफी उमंग और उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर 15 अगस्त को लेकर काफी सख्ती और मुस्तैदी भी जगह जगह देखने को मिल रही है। पुलिस द्वारा हर जगह तलाशी अभियान जारी किया गया है। वहीं दूसरी ओर समालखा अनाज मंडी में आज 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर फाइनल रिहर्सल का प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में पुलिस की टुकड़ी द्वारा सलामी दी गई। इसके बाद राष्ट्रगान का आयोजन किया गया। वहीं समालखा तहसीलदार सुमनलता ने आज के कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी दी, वह भी आप सुनिए। आज 15 अगस्त के 75वें महोत्सव के लिए आज सिर्फ कोरोना की महामारी को देखते हुए थोड़े से आइटम रखे गए हैं, जिसमें सिर्फ मार्च पास की टुकड़ी है और बच्चों द्वारा राष्ट्रीय गान का प्रोग्राम किया गया है। समाल का तहसीलदार के साथ साथ आशुतोष ने परेड व राष्ट्रगान का निरीक्षण किया। इस बार कोरोना महामारी के चलते स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम छोटा किया गया है। सरकार के आदेश अनुसार यह निर्णय लिया गया है। समालखा से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर NCR का सबसे बड़ा 200 बेडेड हॉस्पिटल अब आपके शहर पानीपत में, जहां 30 बेड का ICU ट्रॉमा सेंटर, एम्स हॉस्पिटल के बेहतरीन डॉक्टर्स द्वारा उच्च स्तरीय इलाज व 24/7 इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, अपोजिट PVR मॉल, पानीपत। लो बर्थ वेट, प्री मेच्योर बेबी और नवजात शिशुओं का इलाज कराएं एम्स के बेस्ट डॉक्टर्स की टीम द्वारा। आएं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, ऑपोजिट PVR मॉल, पानीपत। किडनी संबंधित सभी प्रॉब्लम्स के लिए अब बिल्कुल भी मत घबराएं। आएं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, ऑपोजिट PVR मॉल, पानीपत, जहां गुर्दे रोग का उच्च स्तरीय इलाज एम्स के बेस्ट डॉक्टर्स की टीम द्वारा कराएं। अब सभी तरह के कैंसर का बेस्ट ट्रीटमेंट उपलब्ध, वो भी एम्स के डॉक्टर की बेस्ट टीम द्वारा, सिर्फ ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रोमा सेंटर में, अपोजिट PVR मॉल।